हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ये ब्यूटीफुल सा ब्राज़ीलियन मेकअप शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने पर्पल ग्लिटरी आईज लुक क्रिएट किया है। सो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। इस मेकअप लुक को आप किसी भी यू नो ग्लैम नाइट पार्टी में क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप मेरी अभी स्किन देख सकते हो, मेरे स्किन में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मुझे आज काफ़ी ज़्यादा कवरेज देनी पड़ेगी स्किन को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है टोनर जीबी का, एंड देन यहाँ पे यूज़ करी हूँ मैं मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मे की पीच मिल्क क्रीम। इसको पूरे फेस पे लगा के अच्छे से कर देंगे हम यू नो ब्लेंड, और थोड़ा सा मसाज भी करेंगे। देन यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का प्राइमर। इन सभी प्रोडक्ट का परचेज लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ़ यू अगर आप लोग मेरे आसपास के एरिया के हो, एंड मैं ब्राइडल बुकिंग्स भी लेती हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैंने मेरी डिटेल्स दी हुई हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ गाइज मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉन्टैक्ट मी। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाला हुआ था। अब आप देखो मुझे इस टाइम पे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने उनको कवर किया है एक डार्क कलर के कंसीलर से। देन मैंने लाइट कंसीलर यूज़ किया है एंड उसको सेट किया है मैंने पाउडर की हेल्प से। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो आप उसे कलर करेक्शन कर सकते हो, कलर करेक्शन नहीं करना चाहते तो आप एक डार्क कंसीलर को यूज़ कर सकते हो। पाउडर सेट करने के बाद देन यहाँ पे मैंने एक आई शेडो पैलेट यूज़ की है कप्शन ग्लासेस की, उसमें से सबसे पहले मैं ट्रांजिशन शेड को पुट कर रही हूँ एंड देन उसको अपने क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड करूँगी। एंड देन फिर मैंने एक ब्राउन शेड यूज़ किया, उसको एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से सबसे पहले क्रीज पे लगाऊंगी एंड देन उसे ब्लेंड करूंगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। पूरा ये जो मेकअप है ये ब्लेंडिंग पे ही आधारित है, इसलिए आपको ब्लेंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से करनी है। ब्राउन शेड को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यूज़ किया था पर्पल शेड। पर्पल शेड को मैं इसी ब्राउन के नीचे लगाऊंगी अगेन पेंसिल ब्रश की हेल्प से, और फिर उसे भी ब्लेंड कर दूंगी मैं अगेन एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर, इसको मैं आईलिड पे लगाऊंगी और फिर इसको एक ब्रश की हेल्प से, फ्लैश शेडर ब्रश की हेल्प से नीचे की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसके ऊपर प्लेस किया है ब्लैक आई शेडो, इसको फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही अभी मैं प्लेस कर रही हूँ। एंड देन फिर इसको भी मैं स्मच कर दूंगी ताकि जो कोई भी हार्श लाइन ना देखे। तो आप कोई भी आई शेडो लगाते हो बेसिकली आपको ऐसे ब्लेंड करना है कि हार्श लाइन्स नहीं दिखनी चाहिए, तो आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग करने के लिए आपको ब्लेंडिंग ब्रशेस की ज़रूरत होती है। बाय द वे ये जो मेरे ब्रशेस हैं ये पूना स्टोर के ब्रशेस हैं। अब इसके ऊपर मैं प्लेस कर रही हूँ मेरा लिप बाम, क्योंकि मैं उसके ऊपर लगाने वाली हूँ लूज ग्लिटर। तो अगर आपके पास भी मेरी तरह ग्लिटर ग्लू नहीं है तो आप इस तरह से लिप बाम को पहले लगा लीजिए, फिर उसके ऊपर आप लूज ग्लिटर अप्लाई कर लीजिए। ये जो ग्लिटर्स हैं ये मेरे लोकल मार्केट से मैंने खरीदे थे, 20 रुपीज़ के ग्लिटर्स है पर्पल कलर के। इनको मैंने पूरे आईज पे प्लेस करने के बाद अभी मैंने आईब्राउज को बना लिया है ड्रॉ करने के बाद, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ एक लाइट कलर के कंसीलर की हेल्प से। अब आप देखो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स है, पिगमेंटेशन की इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, तो उनको हाइड करने के लिए पहले मैंने अगेन एक डार्क कलर का कंसीलर यूज़ किया है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद उसको फिर मैं सेट करूँगी पाउडर की हेल्प से। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एम एन की बीबी क्रीम। ये बीबी क्रीम कम फाउंडेशन है, काफ़ी हाई कवरेज फाउंडेशन है, बट ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये जो फाउंडेशन है ना ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये आपकी स्किन टोन का ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाई कवरेज चाहिए था एंड ये काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज है, तो इसलिए इसको यूज़ किया। देन एक लाइट कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ मैं, और उसको फिर मैं मेरे फेस के हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी, और सिर्फ उसको उसी फेस के हाई पॉइंट्स पर ही आपने ब्लेंड करना है, पूरे फेस पर उसे फैलाना नहीं है, तभी आपके फीचर्स जो हैं वो शार्प होंगे। अब यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने पूरे बेस मेकअप को सेट कर रही हूँ, और आप देख रहे हो मेरा बेस मेकअप अभी ही बहुत ज़्यादा ग्लोई लग रहा है जबकि मैंने कोई भी हाइलाइटर नहीं यूज़ किया है। तो अगर आप इस तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो करके मेकअप करते हो तो आपका फेस जो है वो पूरा ही ग्लोई रहेगा, और ऐसा लगेगा नहीं कि आपने लेयर्स के ऊपर लेयर चढ़ाई हुई है। एंड अगर आप लोग और ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हो मेकअप की, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अब मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है, और अब यहाँ पर मैं आउटलाइन कर रही हूँ लिप्स को एक न्यूड कलर की पेंसिल की हेल्प से, बिकॉज मैं आज एक न्यूड लिपस्टिक
लगाने वाली हूँ। ये न्यूड कलर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये टोटली मैच कर रहा था मेरे आज के आई मेकअप के साथ है, बिकॉज आईज़ मेरी काफ़ी बोल्ड है इसलिए मैंने लिप्स को काफ़ी ज़्यादा सटल रखा है। अब यहाँ पर मैंने पर्पल शेड को पिक किया है, पर्पल शेड को मैं मेरे लोअर लैश लाइन पर स्मच कर रही हूँ। आपको अच्छे से स्मच करना है, स्मोक आउट करना है, और फिर मैं थोड़ा सा ब्लैक शेड को भी यूज़ करूँगी, उसको भी मैं स्मोक आउट करने के लिए थोड़ा हल्का सा मैंने यूज़ किया है। बट ये जो कलर है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये आई शेडो पैलेट, इसलिए इसमें इसको बहुत समझ संभल के यूज़ करना पड़ता है, स्पेशली ब्लैक शेडो को। अब यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई करी हूँ स्विस ब्यूटी का, अपने लोअर एंड अपर लैशेज पर मैंने मस्कारा अप्लाई किया है। एंड देन अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग, या आप कह सकते हो कॉन्ट्रोरिंग, उसके लिए मैंने यूज़ किया शुगर का ब्रॉन्जर। इससे आपके फेस के फीचर जो होते हैं वो शार्प होते हैं। अगर आप इस तरह के स्मोकी लुक्स करते हो ना तो आपका जो कॉन्ट्रोलिंग या ब्रॉन्जिंग है वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, दिखना चाहिए अच्छा, अच्छे से दिखना चाहिए, तभी आपका ये मेकअप जो है वो अच्छा लगता है। अच्छे से मैंने करनी है कॉन्ट्रोलिंग अपने पूरे फेस की, देन मैं करूँगी हाइलाइटिंग। और हाइलाइटर जो है भाई साहब बॉम हाइलाइटर, क्या ग्लो है इस हाइलाइटर में, आप देख रहे हो, मतलब एक ही बार पिक करने पर ये कितना प्यारा ग्लो देता है। ये कलर स्क्रीन का हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये। इसको इसके थ्रू मैं अपने पूरे फेस की हाइलाइटिंग करूँगी एंड देन उसके बाद में पूरे बेस मेकअप को मैंने सेट किया था मेकअप फिक्सर की हेल्प से, और फिर मैं अभी फॉल्शेज भी लगाऊंगी, ठीक है। ब्लैक काजल भी मैंने गाइस अप्लाई किया हुआ था। फिर थोड़ा सा मैं अपनी ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूंगी, क्योंकि जब भी आप मेकअप करते हो ना तो आपके इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन जो है हाईलाइटेड होने चाहिए। सो हेयर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करते रहिएगा, मैं आपके लिए इसी तरह के मेकअप लुक्स लेते ही आऊँगी। सो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय गाइस।